देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर मधुपुर पुलिस ने अवैध रूप से कोयला का कारोबार करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही कोयला से लदा 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई मधुपुर थाना के SI चंदन कुमार दुबे के नेतृत्व में की गई है। हालांकि कोयला का यह कारोबार कई वर्षों से चला आ रहा है। साइकिल और मोटरसाइकिल में ग्रामीण इलाकों के लोग गिरिडीह चित्रा आदि कोयला खदानों से निकाले गए कोयला को ईंट भट्टों और लोगों के घरों के चूल्हे तक पहुंचाने का काम करते हैं। मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक गुप्तारदा ने विद्युत विभाग के कार्यशैली में सुधार लाने की बात कही है। जियाउल हक ने बताया कि बिजली विभाग मनमानी ढंग से लोगों का विद्युत कनेक्शन काट रही है, साथ ही अनाप शनाप बिल भी भेजा जा रहा है, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। देखिए, विद्युत विभाग का ये बहुत गंभीर मसला है। अभी जो वर्तमान समय में गांव-गांव लगातार घूम रहे हैं और छापामारी चल रहा है, लोगों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है और उन पर कोरोना जैसे महामारी में 27,000 रुपया का फाइन ठोका जा रहा है। एक व्यक्ति का 4,000 रुपया माफ बिल है, उसको 26,000 रुपया फाइन ठोका जा रहा है। ये जनहित का मुद्दा है, जहां सरकार का कोई ऐसा गाइडलाइन, कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आ रहा है। विभाग जो अपने मनमाने ढंग से इस तरह की कार्रवाई कर रही है, इसमें हमारी सरकार की बदनामी है, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमें कलेक्शन लेना है, विद्युत विभाग हमें बिजली देना है, बिजली जब हम देते हैं तो हमें पैसे लेने हैं, लेने का तरीका बदलना पड़ेगा। नियम संगत कार्रवाई करें, मैं विभाग का समर्थन करूंगा। अगर नियम संगत अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं सरकार को आज लिखने भी जा रहा हूं और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। विभाग को मैं मीडिया के माध्यम से सूचना भी दे रहा हूं, संदेश भी दे रहा हूं और अपने कार्यशैली में बदलाव लाने का मैं एक संकेत भी दे रहा हूं। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान विरोधी कानून को वापस लेने की बात कही है। फुरकान अंसारी ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो गया है और अब झारखंड से भी इसकी शुरुआत की जाएगी। किसी भी हाल में किसान विरोधी कानून बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानते हैं, जब हम MP थे उस वक्त सबका कर्जा एक ही मतलब माफ किए थे भारत सरकार से, मिला नहीं थे झारखंड का कर्जा सबका माफ कर दिया। जब हम MP थे, परेशान था लोग, किसान तो किसान हम लोग हैं, किसान के लिए दर्द है, किसान को समस्या को हम लोग बूझते हैं। मोदी क्या बुझेगा, अमित शाह क्या बुझेगा, रघुवर दास क्या बुझेगा? मोदी ने जो किसान विरोधी कानून जो पास किया है, उसको तुरंत वापस ले, नहीं तो पूरे देश में जो है आज आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार हो गया है और आंदोलन जो बैठे हुए हैं, अब झारखंड से भी लोग शुरू करेगा, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।